डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट फिज़िक्स को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछले क्लास में हम लोग दर्पण सूत्र को प्रूव किया था और उसके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी देखा था। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसका नाम है आवर्धन। तो टॉपिक दिया जाए आवर्धन के लिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, जिसको आवर्धन बोलते हैं। लिखा जाए आवर्धन में फर्स्ट एरो, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है, आवर्धन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट एरो लिखा जाए आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है। चलो भाई देख लो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख पा रहे होंगे कि आवर्धन किसको कहेंगे, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को आवर्धन कहते हैं, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को। सबसे पहले मान लिया जाए एक अवतल दर्पण है जिसका बाहरी सतह पेंट रहता है, एक इसका मुख्य अक्ष है PCF, कोई यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है जिसको OA बोल रहे हैं, एक वस्तु है। इसके सामने अगर समानांतर किरणें अगर गुजारी जाए तो फोकस से होकर गुजरती है, और एक अगर सेंटर से अगर पास करती है किरणें तो सेंटर से ही वापस लौट जाती है। तो यहाँ पे जो बन रहा है प्रतिबिंब, इसको बोल रहे हैं PQ बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या है, PQ प्रतिबिंब है। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखें तो OA मेरा एक वस्तु है, OA क्या है, वस्तु है। ठीक है, और PQ क्या है, PQ मेरा प्रतिबिंब है, PQ प्रतिबिंब है। अगर हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई को बोले, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग यहाँ पे H2 बोल रहे हैं। ऊंचाई का मतलब क्या, ऊंचाई का मतलब हुआ कि कितना ऊंचा है, इसको H2 बोल रहे हैं, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम H2 बोल रहे हैं। ठीक है, और वस्तु की ऊंचाई को हम H1 बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, H1, वस्तु की ऊंचाई। यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 हो गया और वस्तु की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, H1। ठीक है, अब प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पे H2 है, तो हम पढ़े हुए हैं चिन्ह परिपाटी में कि मुख्य अक्ष ये हो गया, मुख्य अक्ष की ऊपर की दूरियाँ होती है प्लस और मुख्य अक्ष की नीचे की दूरियाँ होती है माइनस। तो देख लो, ये हो गया हम लोगों का मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियाँ प्लस होती है, तो OA ऊपर ना है जिसको H1 बोल रहे हैं, इसलिए ये मेरा हो गया प्लस H1। समझ में आ रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो ये मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है PQ, जिसका ऊंचाई क्या माने हैं हम लोग, H2। ठीक है, अब ये H2 है तो इस H2 को कहाँ बोलेंगे, इसका चिन्ह लगा देंगे तो माइनस H2 होगा। ठीक है, H2 से क्या होगा,
माइनस एच टू, क्योंकि मुख्य अक्ष के वो कहाँ है, नीचे है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लेना है, माइनस एच टू, और वस्तु की ऊंचाई क्या लेना है, प्लस एच वन। तो कुल मिलाकर अभी हम लोग आवर्धन का फार्मूला देखें। आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, तो आवर्धन का फार्मूला होता है प्रतिबिंब का ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि आवर्धन का फार्मूला हम फिगर बना लीजिएगा, हम या ऐसे बोल सकते हैं कि आवर्धन को तो हम लोग m से सूचित करते हैं, तो आवर्धन के जगह पे m लिख दिया। ठीक है, और बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, h2 कोंची में, तो प्लस में, सॉरी प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, नीचे है ना, तो प्रतिबिंब के लिए माइनस एच टू, और वस्तु की ऊंचाई एच वन, तो ये हो जाएगा प्लस में। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एच टू हो गया प्रतिबिंब की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब का ऊंचाई, और एच वन हो गया किसका, तो वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं चित्र से, जो अभी ऊपर चित्र बनाए हैं वहाँ से आप देख पाइएगा कि वस्तु दूरी हम लोगों को क्या है, वस्तु दूरी को हम लोग u से सूचित करते हैं, लेकिन यहाँ माइनस u लगाएंगे। क्यों माइनस u, क्योंकि ये ध्रुव से बाईं ओर है, जब ध्रुव से बाईं ओर होता है तो माइनस होता है, और प्रतिबिंब भी कहाँ है, दर्पण से बाईं ओर है, तो यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब दूरी क्या होगा, तो माइनस भी। ठीक है, अब हम लोग इस ए भी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी को भी हम लोग एच टू और एच वन के बराबर कर सकते हैं, यानी कि ए भी कहीं ना कहीं, जैसे मान लिया कि वस्तु की ऊंचाई जो है और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तो इससे भी हम लोग बोल सकते हैं। इसी प्रकार हम यहाँ पे m बराबर इसको भी बोल सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो दूरी है माइनस भी, और वस्तु का जो दूरी है माइनस u के इक्वल कर सकते हैं। इस तरीके से समीकरण वन और समीकरण टू, दोनों समीकरण को आप देख पाएंगे, तो समीकरण एक और समीकरण दो से, एक और दो से चलिएगा तो LHS LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर होगा, माने कि माइनस एच टू बाई एच वन बराबर माइनस भी बटा में माइनस यू, तो माइनस माइनस कट गया, इसलिए दोस्तों माइनस एच टू बटा एच वन बराबर भी बटा यू होगा ना। जी बिल्कुल होगा, यानी कि कुल मिलाकर हम लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोगों को अब जो फार्मूला मिला क्या लिख सकते हैं, तो m बराबर h2 बटा h1 लिखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस भी बटा u, यानी कि ये वाला जो माइनस है, ये वाला जो माइनस है इधर ला दिए, एच टू बटा एच वन बराबर माइनस भी बटा यू। तो कुल मिलाकर हम लोगों को यहाँ से m का फार्मूला निकला, m का फार्मूला क्या निकला, आवर्धन बराबर माइनस भी बटा में यू, ये हम लोगों को आवर्धन का मेन फार्मूला हुआ। ठीक है, यानी कि आवर्धन का फार्मूला क्या हुआ, माइनस भी बटा में यू, जहाँ भी को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब दूरी, और यू को क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। चलिए इतना चीज़ों को नोट करने के बाद एक क्वेश्चन करते हैं, लिखा जाए किसी अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है,
12 सेंटीमीटर है और इस दर्पण के सामने और इस दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हो तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी हो तो इस दर्पण का आवर्धन ज्ञात करें। इस दर्पण का आवर्धन ज्ञात करें। चलिए सबसे पहले सवाल आप समझिए, क्या न्यूमेरिकल्स में बोल रहे हैं। हम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पे दिया गया जो है, दिया है कौन सा दर्पण है भाई? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोगों को काम करना है। यहाँ पे बोला गया कि फोकस दूरी कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो फोकस होता है अवतल दर्पण के लिए तीनों माइनस में होता है। यू का भी वैल्यू माइनस, एफ का भी वैल्यू माइनस, वी का भी वैल्यू माइनस। तो माइनस 12 सेंटीमीटर कर दिए क्योंकि अवतल दर्पण है। इसमें वस्तु दूरी दिया है -15 सेंटीमीटर, तब बोल रहा है कि एम का वैल्यू निकालिए। तो भाई देखो, जो फार्मूला आपको जिसका वैल्यू निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है, तो एम का वैल्यू निकालना है तो एम का फार्मूला क्या होता है? माइनस वी बटा में यू ना। एम का फार्मूला क्या होता है? माइनस वी बटा यू। तो देख लो भाई, यू तो पता है ना हमें, लेकिन भी पता नहीं है। तो सबसे पहले तुम दर्पण सूत्र से यूज करना, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र से होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f। आप यहाँ पे 1/v, तो 1/v का मान तो नहीं पता है, तो 1/v का भी छोड़ दीजिएगा, प्लस 1/u यू का मान कितना है? -15 बराबर 1/f, एफ के जगह पे कितना? -12। इस फार्मूला से इसको आप यूज करते करते कोचिन निकाल लीजिएगा, भी का मान निकाल लीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो भी का वैल्यू जितना आएगा तो इस फार्मूला में अब लिखिएगा, अब एम बराबर माइनस का तो माइनस रहेगा, नो डाउट। भी का वैल्यू अगर माइनस में आता है तब पर भी यहाँ -8 रखेंगे। अगर -8 आया तो -8 रखेंगे, लेकिन उसके पहले तो फार्मूला में है ना माइनस, तो माइनस का माइनस रखेंगे। ये फार्मूला वाला माइनस, लेकिन भी वाला मान देखेंगे कि किस में आता है। +8 आएगा तो 8 खाली लिखेंगे प्लस में, लेकिन इसके आगे माइनस रहेगा। तो कुल मिलाकर माइनस का माइनस और भी का मान जितना आएगा और बटा में यू डिवाइड कर दीजिएगा। यानी कि यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग कैसे निकालेंगे आवर्धन। तो इस क्वेश्चन को आप पूरी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। हम पूरा सॉल्यूशन नहीं किए हैं, सिर्फ आपको समझा दिए हैं कि हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। क्वेश्चन लिखा जाए, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए यदि इस दर्पण से कोई वस्तु, यदि इस दर्पण से कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो एवं एवं इसका आवर्धन एवं इसका आवर्धन 0.5 हो एवं इसका आवर्धन 0.5 हो। बिल्कुल, इस क्वेश्चन को हम कुछ हिंट्स नहीं कर रहे दोस्त, और आपको बताना है कि फोकस दूरी आप कैसे निकालेंगे, किसका किसका वैल्यू आप दिया है। देखो कोई भी न्यूमेरिकल्स बनाओ ना, तो जो जो का वैल्यू दिया है आप उसका पहले नोट डाउन कर लो कि किसका किसका वैल्यू दिया है, और उसको हम लोग फार्मूला में यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। लिखेंगे,
लिखा जाए, उस उत्तल दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए, उस उत्तल दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। जिसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर हो और इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब और इस दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्रतिबिंब 9 सेंटीमीटर पर बन रहा हो, प्रतिबिंब 9 सेंटीमीटर पर बन रहा हो। तो जो दो तीन क्वेश्चन आपको दिए हैं, आपको खुद से बनाना है इन क्वेश्चंस को कि क्या क्या बोला जा रहा है, और इन क्वेश्चंस को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए जो आवर्धन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।